गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ में लेसन नंबर 16 चोरी के बारे में समझेंगे। यहाँ पेज नंबर 40 समझ गए, अब आज हम समझेंगे 41 पेज नंबर पर। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ 48 में लिखा था कि बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा कि बिंदु, यूँ हैरान पर करने से क्या होगा, बात क्यों नहीं देता, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था, हाथ में मुट्ठी में क्या लाया था, ऐसा नंदन ने पूछा। बिंदु के होठ खुले, बिंदु ने मुंह खोला, नौकर बिंदु ने, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए, परंतु फिर से वह उसने मुंह बंद कर दिया। हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर में कहा। नंदन ने शांति से कहा कि हाँ रुको, रुक क्यों गए, कहो बोलो। बाबूजी, बिंदु फिर चुप, बाबूजी कहकर बिंदु फिर से चुप हो गया। शाबाश, कहो कहो, ऐसा नंदन ने शांति से कहा। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, यानी सूखा मेवा, मैं उठा लाया, बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा था, जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। मैं उठा लाया, बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव ऐसा कर रहा था कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप कर लिया, थोड़ा सा सूखा मेवा मुट्ठी में बंद करके बाहर ले गया। तो मैं कहती थी ना, अब वो मालती कहती है, मालती बोल उठी कि यह कुछ ना कुछ ले जरूर आया है, देखा मेरी बात सच निकली ना, ऐसा मालती ने कहा कि इस नौकर बिंदु ने कुछ ना कुछ जरूर चोरी किया है। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, खाली इतनी जल्दी, बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक दी, ऐसा वह मालती ने कहा। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी है, जहां बिंदु नौकर ने वह जगह बाहर बताई कचरे वाली जगह में, तो वहां थोड़े से काजू और किशमिशें पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया, नौकर बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चला गया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा कि आज इसने मेवा ली है, सूखा मेवा लिया है, कल को और कुछ उठा ले जाइएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है, एक बात अगर बुरा स्वभाव हो गया, एक बार चोरी की आदत हो गई तो फिर चोरी करने की आदत हो जाएगी, ऐसा मालती ने कहा। नंदन ने पत्नी की बात सुनी, अनसुनी कर दी, नंदन ने उसकी पत्नी की बात सुनी नहीं और अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया, और कंस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया वह नंदन और कंस्तर खोलकर उसमें से एक डिब्बा खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा सूखा मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। मालती को बहुत गुस्सा आया अपने पति पर, नंदन पर ऐसा व्यवहार कर नौकर बिंदु के साथ ऐसा व्यवहार करके मालती को बहुत गुस्सा आया अपने पति पर नंदन पर बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, ऐसा मालती ने कहा। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो, उसे कहना तो कुछ और है,
दूर है, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम है। नंदन मुस्कुराया और बोला कि मालती चोर हम है, बिंदु नहीं है। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाए जो सबको नहीं मिलती, हम ऐसी चीज़ें क्यों खाए जो सबको मिलती नहीं। इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है, इसी से चोरी वहाँ से शुरू होती है। जो नौकर को भी मिलनी चाहिए ऐसी खाने की चीज़ जो हम सब खाए, वही नौकर को मिलनी चाहिए। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं, हम लोग रोज़ सूखा मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली, सूखा मेवा ले लिया तो क्या हो गया, ऐसा नंदन ने मालती को समझाया। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, ऐसा मालती ने कहा कि मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया। बात मेवा की नहीं है, नियत की है। मालती ने कहा कि बात सूखे मेवा की नहीं है, बात उसकी नियत की है, उसके बुरे व्यवहार की है, उसने जो चोरी की है उसकी है। इसका जी चला था तो मांग लेता, अगर उसको खाने का मन हो रहा था सूखा मेवा तो मांग लेना चाहिए ना, ऐसे मुट्ठी में बंद करके चोरी करके बाहर क्यों ले गया, ऐसा मालती ने कहा। मैं न देती तब कहता, मैं मालती ने ऐसा कहा कि मैं सूखा मेवा न देती जो चोरी की। घर में 500 चीज़ें रहती हैं, घर में बहुत सारी 50 जैसी चीज़ें रहती हैं, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। अगर घर में तो कोई कितनी 50 जितनी चीज़ें होती है, जिस पर मन आए उठा कर ले जाएगा ऐसे मुट्ठी में बंद करके, एक दिन यही होना है कि वह न करेगा तो तुम करवाओगे ऐसा काम। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए ऐसा कहा मालती को कि मालती यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। सभी चीज़ जो हम खाते हैं वो भी नौकरों को भी मिलना चाहिए, तब चोरी बंद हो जाएगी। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, गरीबी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए ऐसा मालती को कहा। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं, देख लेना। मालती ने कहा कि ऐसा ये बिंदु ने ट्रंक उठाकर, यानी कि कोई कीमती चीज़ उठाकर, कहीं पैसों का डिब्बा, गहनों का डिब्बा उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई, मालती किचन में चली गई, और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, फिर से नंदन अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था, परंतु उसका जो मन था, उसके विचार दूसरी जगह पर, दूसरे विचार आ रहे थे उसके मन में, नंदन के मन में। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेखा पूरा करने में लग गया, अपना जो काम था वो पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ, लिखने का काम पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा, देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है, नंदन ने कहा कि बिंदु कहाँ है, मैं क्या जानूँ। नंदन ने ऐसा मालती को पूछा कि बिंदु नौकर कहाँ है, तो मालती ने जवाब दिया कि मैं क्या जानूँ, मुझे पता नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ। नंदन ने ऐसा पूछा मालती को कि उसको निकाल दिया घर से, तो मालती ने जवाब दिया मैं निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन ने पूछा कब से नहीं है, तो मालती ने जवाब दिया तो तभी चला गया था जब हम चर्चा कर रहे थे तब। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा, नंदन थोड़ा हैरान हो गया, परेशान हो गया,
नौकर बिंदु को नहीं देखा तो। मालती ने पुनः कहा कि तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं। मालती ने फिर से कहा कि तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं, अपने घर में भी अपना हाथ रुकता नहीं उसका हाथ। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं, उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।